उत्तराखंड के चमोली में उदरत की तबाही के बाद जिंदगी बचाने का मिशन इस समय जोर शोर से चल रहा है। बचाव टीमें सुबह से दूसरी सुरंग को खोलने में जुटी हुई हैं। ताजा अपडेट इस वक्त हम आपको दे दें, आपदा के शिकार बने 200 से ज्यादा लोग अभी भी सुरंग में हैं। तपोवन सुरंग में रेस्क्यू पर यह बड़ी खबर है, 200 लोग अभी भी सुरंग में फंसे हुए हैं। तपोवन सुरंग में करीब 30 लोगों के फंसे होने की बात अभी तक सामने आ रही थी। मलबे की वजह से काफी मुश्किलें वहां पर बढ़ गई हैं। वहीं रेस्क्यू टीम ने अब तक 27 जिंदगियां बचाई हैं, यानी कि 27 लोगों को उन्होंने इस सुरंग से बचाया भी है। पहली सुरंग से 12 लोगों को कल बचाया गया और दूसरी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है। अभी तक करीब 200 मीटर तक बचाव टीमें पहुंच चुकी हैं सुरंग के अंदर, जबकि अलग अलग जगहों पर मलबे से 19 शव निकाले जा चुके हैं। तो 100 मीटर से आगे बढ़ने में रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है तपोवन सुरंग में। रेस्क्यू पर यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि रेस्क्यू टीम आगे तो बढ़ रही है, लेकिन मुश्किलें वहां पर बहुत ज्यादा मलबे की वजह से आ रही हैं।